गुप्त रैली का क्या उद्देश्य है? भ्रष्टाचार के खुलासा के लिए ये रैली हो रही है। सुनने में आ रहा है कि आप वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। हम नाखुश हैं और हमारी बजरंग सेना भी नाखुश है। हमने सुना है कि आपने मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी है। मेडिकल कॉलेज भी आज छतरपुर में नहीं है। पटेरिया जी के हिसाब से हिंदुत्व का हितैषी कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? मुझे तो कोई नहीं लगता है। जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा उसको हम अच्छी सरकार माने। दोस्तों स्वागत है आप सभी का खबर टीवी में। आज खबर टीवी के साथ पुनः एक बार बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रणवीर पटेरिया जी हैं। भाई साहब स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल का जो आपने फिर से हमें मौका दिया। बिल्कुल भाई साहब, जैसे कि हमें सुनने में आया है कि आपकी वर्तमान में अभी कुछ ही समय बाद भोपाल में हमने एक रैली सुनी है जिसमें अलग अलग प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो इस गुप्त रैली का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में थोड़ी सा बताइए। ये हमारी 6 तारीख को 6 जून को एक विशाल भगवा रैली भोपाल में होने जा रही है। उस रैली का उद्देश्य है कि हमारे जो मध्य प्रदेश में गौशालाएँ खोली गई थी उन गौशालाओं को हमने जाकर देखा तो वहाँ पर कहीं भी गाय नहीं मिली हमें। मध्य प्रदेश में इतनी गौशालाएँ खोली गई, निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार के खुलासा के लिए ये रैली हो रही है और जो गाय माता हमारी सड़कों पर घूम रही हैं उन गाय माता को सम्मान गौशाला में पहुंचना चाहिए, इसके लिए हम बजरंग सेना के माध्यम से ये रैली निकाल रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे युवा भाई हैं उनके लिए रोजगार, जो हमारे ज़िले हैं हर जिले केंद्र पर एक उद्योग फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए और हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसके उद्देश्य को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। सुनने में आ रहा है कि आप वर्तमान सरकार से खुश नहीं हैं। निश्चित रूप से जो वादा किए थे बीजेपी सरकार ने, हम लोग लगातार गाय माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 18 वर्षों से ये लड़ाई जारी है लेकिन आज तक हमारी गाय सड़कों पर ही हैं। बहुत दुख होता है जब हमारी गायों का एक्सीडेंट होता है, गायों का दुर्घटना में उनकी मौत होती है और लोगों की भी मौत होती है, ये देख कर वास्तव में बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम नाखुश हैं और हमारी बजरंग सेना भी नाखुश है। आप जो NTPC और रिंग रोड, और हमने सुना है कि आपने मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी है, तो इसका क्या हुआ, इसके बारे में बताइए थोड़ी सी। निश्चित रूप से हमने NTPC के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली, सैकड़ों की संख्या में मुंडन संस्कार हमारे युवा भाइयों ने करवाए। हम लोगों ने रन फॉर NTPC करवाई जिसमें हमारी बहनें भाई सब दौड़े, लेकिन सरकार ने हम लोगों की एक बात नहीं सुनी। हमने रिंग रोड के लिए भी लगभग 30 दिन तक हस्ताक्षर अभियान चलाया, उसके लिए भी रैलियां निकाली लेकिन वो भी रिंग रोड भी नहीं मिल पाया। मेडिकल कॉलेज के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी, मेडिकल कॉलेज भी आज छतरपुर में नहीं है, सिर्फ कागजों में डला है। और यूनिवर्सिटी के लिए भी हम लोगों ने 10-15 साल पहले लड़ाई लड़ी है और यूनिवर्सिटी आ गई है लेकिन आज तक कोई उसकी बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। पटेरिया जी के हिसाब से हिंदुत्व का हितैषी कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? मुझे तो कोई नहीं लगता है, और जो हिंदुत्व का हितैषी होगा मैं चाहता हूँ कि ये हमारा भारत देश है, यहाँ पर हम सबका ध्यान रखने वाले हैं। तो ये मुद्दे जो हमारे देश में अभी चल रहे हैं गोरक्षा को लेकर, हमें जो उसकी रक्षा करेगा हम उसी को हिंदुत्ववादी सरकार कहेंगे। जो हमारी मंदिरों की रक्षा के लिए काम करेगा हम उसको हिंदुत्ववादी सरकार कहेंगे। जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा उसको हम अच्छी सरकार मानेंगे। आपने बोला कि हिंदुत्व का हितैषी आप किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन आप देखिए कि मंदिरों की रक्षा, तो अभी राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने करवाया है। निश्चित रूप से राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है और होना भी चाहिए था। हमारे प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि थी वो, तो उसका श्रेय मैं चाहता हूँ माननीय मोदी जी को जाता है, लेकिन जो और मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार होना है उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही कोई भी सरकार। तो मैं चाहता हूँ जो सरकार हमारे मुद्दों को मानेगी उसके साथ हम काम करें। आपने बताया कि गौ की रक्षा नहीं हो रही है और आपने भी बताया कि जो गौशालाएं खोली गई उन पर सही से काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप बताइए कि बजरंग सेना तो गौ की हितैषी, गौ रक्षा यानी हिंदुत्व हितैषी है, तो आप उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? हम लोग लगातार गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम गौशालाओं को देख रहे हैं और सरकार से भी बार बार हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप इन गौशालाओं का निरीक्षण करें, जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इन गौशालाओं को अच्छे रूप में संचालित करें, लेकिन अभी तक हम लोग सफल नहीं हुए हैं।
और जो सरकार हमारी इन मांगों को पूरा करेगी, हमारी गौ माता को सड़कों से उठाकर गौशाला पहुंचाएगी, उसके साथ हम लोग काम करेंगे, उसका हम समर्थन करेंगे। तो आप तो देखते होंगे कि देश में तरह तरह विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, लेकिन आप रैली को हमेशा भगवा रैली ही क्यों नाम देते हैं? ये भगवा रैली हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम हमेशा इस रैली को कभी कभी भगवा रैली भी नाम देते हैं, और भी जो जिस आंदोलन को लेकर रैलियां होती हैं उन आंदोलनों के भी नाम से हम लोग ये रैलियां निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा भगवा रैली ही निकालें। जी भाई साहब, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपने हमको समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।